नमस्कार। दैनिक अर्थ प्रकाश की ओर से आपका सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं, जिनके हाथ में ऐसा लगता है कि सियासत की कोई छड़ी है, कोई जादू है। पार्टी का कोई मतलब ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर शायद इतनी पैठ है, व्यक्तिगत तौर पर अपनी ही एक ऐसी पार्टी है जो कमाल का इनका परिणाम देती है। कहीं भी रहें लेकिन जीत इनके ही हाथ में होती है। ऐसे मेहमान श्री रमेश कौशिक जी, जो संसद में आजकल हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इससे पहले मंत्री, संसदीय सचिव, सांसद रह चुके हैं। तो आज रमेश जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे बीच में। रमेश जी, पहले सवाल इसी से शुरू कर लें जो मैं बात कह रहा था कि ऐसी जादू की छड़ी क्या है कि पार्टी का तो मतलब ही कोई नहीं, नहीं। ना कोई दल बदल की बात मैं कह सकता हूँ कि आप जहाँ आपकी इच्छा है, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल कैसे है कि जहाँ जाते वहीं जीत जाते, क्या कारण है ऐसा? ये तो सब लोगों का प्यार प्रेम है जी, और भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन पार्टी तो पार्टी है, उसका भी अहम रोल हर बार जीत में भी होता है और उसमें भी होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो हम दो बार लगातार एमपी भारतीय जनता पार्टी से बने, तो पार्टी का उसमें अहम रोल है। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलरिटी है, पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं कह सकता। पर कौशिक साहब, एक बात तो है ना कि पार्टी ठीक है, कांग्रेस पार्टी का इतनी कोई विचारधारा की बात नहीं मानी जाती, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, उसकी एक सेकंड लाइन है, उनका एक परिवार, जैसे आरएसएस का परिवार कह सकते हैं। और ऐसे भी आक्षेप, ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि वो किसी खास संप्रदाय को ज़्यादा प्रमोट करती है या दूसरी बातें हैं, जबकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो एक धर्मनिरपेक्षता की ओर, या वो एक तरह के उन्होंने ओढ़ रखा है ऐसा नकाब के वो धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करते हैं, वट एवर इट इज। तो ऐसी तो विचारधारा और पार्टी की सियासत दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट मैं मानता हूँ। तो आपके विचारधारा का धरातल क्या है? ये है जी, कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है जी। और जो जो वोटा ओढ़ के कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, उस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी एक पक्ष का पूरा पक्ष लेते हैं हर तरह से जी, और जो सबसे अहम पक्ष है उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो सिर्फ राष्ट्रीयता के बारे में, और वो कहती है सेकुलर का मतलब वो है जिसमें हम सब बराबर के हों, ये नहीं है कि भेदभाव हम करें अब तो सेकुलर है। अब तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आरएसएस के भी पुराने नेता भी रहे हैं और रहे हैं, और वो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें किसी एक जाति को, एक संप्रदाय को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा। आप सेकुलरिज्म मानते हैं कि उसमें है? हाँ है। एक कौशिक साहब, हरियाणा महाभारत की धरती है जैसे माना जाता है, कि यहाँ पे महाभारत की धरती पर ऐसा भी हो चुका है कि गुरु और शिष्य भी कमान चलाई आपस में। तो आप पहले कांग्रेस में रहे, हाँ, और आप मुख्य संसदीय सचिव थे, रहे मंत्री रहे, हाँ। कांग्रेस से, मैं कांग्रेस के टाइम की बात करूँगा, और हुड्डा साहब को एक तरह से, अगर आपको बुरा ना लगे, एक तरह से आपके गुरु की तरह मान सकते हैं। वो मेरे भाई थे, बड़े भाई जो थे उस टाइम भी मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। आपके बड़े भाई थे? भाई मानते एक हैं, बड़े भाई के नाते उनका अपने भाई मानते हैं जी। इससे ज्यादा हुड्डा साहब से पहले मैं कैबिनेट मिनिस्टर में पहले रह चुका हूँ, 96 में रह गया जी, जी। उसमें कोई बात नहीं है जी। और हमने हुड्डा साहब के साथ जो कांग्रेस में थे उनका भी पूरा साथ दिया। और मैं एक बात कह सकता हूँ, गर्व वाली बात अभी किसी नहीं हो सकती मेरे लिए जी, क्योंकि मैं चौधरी बंसीलाल के साथ मिनिस्टर रहा हूँ, उनके साथ काम किया है। हरियाणा विकास पार्टी हमने बनाई, चौधरी बंसीलाल प्रेसिडेंट थे, मुझसे लगातार जनरल सेक्रेटरी रहा, पूरे हरियाणा के सारे गांव का हमने दौरा किया है। और तो इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी हमारे साथी थे, हुड्डा साहब साथी हैं, वो हमारे बुजुर्ग थे। मेरा सीधे तौर पर अगर मैं ये गुरु या शिष्य या भाई या बड़े भाई वाली बात होगी, सवाल मेरा पहले सवाल के जैसे ही जुड़ा हुआ है कि ऐसी आपके पास ये मतलब क्या जादू की छड़ी है कि आप अपने बड़े भाई या गुरुजन जैसे व्यक्ति को भी आपने संसद की सीट पे
सोनीपत की सीट पे, ये बड़ी ऐतिहासिक बात है, कोई छोटी बात, मैं मेरा प्रश्न पूरा होने दे। सोनीपत की सीट वो अपनी मर्जी से लेते हैं, वो उनका ससुराल भी इधर है और वो कहते हैं कि मेरा तो गढ़ है ये, वो दावे से कहते हैं और धड़ल्ले से आके खड़े होते हैं और वो मुख खाते हैं। और आप 9 विधानसभा क्षेत्र, उसमें से आप अपना झंडा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसमें से 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में फहरा देते हैं, ये मतलब क्या आप इसका एक और दूसरी इससे साथ जुड़ा सवाल है कि जाट बहुल्य इलाका है, इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है जी, मैं जो राजनीति मैं करता हूँ वो जात पात की राजनीति नहीं करता जी। वहाँ के जाट भी जो हैं वो हमारे भाई हैं और हमारे डट के साथ देते हैं मेरे साथ। ओके। और एक और है जी, हम काम की राजनीति भी करते हैं। पिछले 5 साल में मैंने अपनी पार्लियामेंट में जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 28,000 के काम, 28,000 करोड़ के काम हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में हुए हैं, चाहे नेशनल हाईवे का काम देख लो, चाहे रेलवे, पिछले कार्यकाल लगाइए 6 साल में। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी मेरी पार्लियामेंट में राई में आए, उन्होंने KMP का शिलान्यास किया और KGP का, आज मुझे खुशी है कि दोनों प्रोजेक्ट हमारे पूरे हैं। तीसरा उन्होंने जो नेशनल हाईवे है पानीपत वाला दिल्ली से, ये 12 लेन का, इसका शिलान्यास किया था, इसमें बीच में कुछ काम में रुकावट आई थी लेकिन अब वो भी दोबारा शुरू हो गया, जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने एक हाईवे, नेशनल हाईवे जो सोन बागपत से शुरू करा के जो सोनीपत के बराबर से जाके खरखोदा सांपला झज्जर है, आज उसका काम बहुत तेजी से चला हुआ है, उसमें एक पोर्शन लगभग पूरा भी हो गया है। जो पिछले दिनों माननीय गडकरी जी जो हमारे मंत्री हैं उनका हमें बराबर उनका भी सहयोग मिला, उन्होंने उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी किया। फिर इसके साथ साथ हमारा सोनीपत गोला जींद रोड था उसको डबल करने की बात हो वो काम पूरा हुआ। और अब सबसे बड़ा काम एक और किया है हमने, नेशनल इसे ग्रीन हाईवे जो सोनीपत से डायरेक्ट जींद जाएगा, कोई गाँव टच नहीं करेगा जी, आज उसका काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, वो भी शुरू हो गया जी, वो भी पूरा हो जाएगा। जींद में सारी पार्टियां सिर्फ राजनीति करती थी, वहाँ रैली और जुलूस, रैली करने का स्थान चुन लिया, पॉलिटिकल राजधानी, राजधानी हमने उसको, मैंने देखा भाई अगर जींद को आगे बढ़ाना है जी तो वहाँ नेशनल हाईवे होना चाहिए जी, तो चाहे आपका फरीदाबाद हो, चाहे पुलवामा, चाहे सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकूला, ये सब इसलिए तरक्की की जब नेशनल हाईवे पे थे। आज जींद जो है आपका 6 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है, नहीं तो एक भी नहीं था। आज हमने सोनीपत गोहाना जींद नेशनल हाईवे बनाया, दूसरा ग्रीन हाईवे आ गया, तीसरा रोहतक जुनाना जींद का काम बंद पड़ा था पिछले बहुत साल से, उसका काम अब नया टेंडर करवा के शुरू करवाया। इसके साथ साथ जींद से असंत करनाल वाला नेशनल हाईवे, जींद से हांसी, जींद से भिवानी, और जींद बाईपास था जो सोच भी नहीं सकते थे वो आज पूरा करके, उसका उद्घाटन माननीय गडकरी जी ने ही उसका शिलान्यास किया था, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री जी भी उस दिन साथ थे। तो मुझे सरकार में सहयोग बहुत मिला है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की, ये बड़ी उपलब्धि है जी कि आपने सड़कों का एक तरह से जाल, हमने मेरा एक रोड सिर्फ बाकी है जींद स्पिदो पानीपत, उसको भी जल्दी से जल्दी नेशनल हाईवे करवा के उसको 4 लेन करवाना है। और ये अपना मैं एक लक्ष्य रखता हूँ, फिर आप ये देखो आज तक रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में नहीं लगा, 70 साल देश को बने भी हो गए, MP बने होंगे, चीफ मिनिस्टर, सब कुछ बना है जी। हमने रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कराया, वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, मार्च तक कोचेज तैयार हो जाएंगे। फिर वहीं कंटेनर डिपो बनाया, वो भी 2 महीने में कंप्लीट हो गया है, उसका भी वो करवा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था रेल कोच फैक्ट्री का, तो वो भी सारा काम हो जाएगा। काम करने की नीयत होनी चाहिए आदमी की, तो हो सकता है। फिर हमने सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन थी वो जो है वो पूरी करके उस पर 3 ट्रेनें पहले ही साल में चलवा दी, आज रेवाड़ी तक वहाँ से ट्रेन जारी है। फिर इसके साथ साथ रोहतक जुड़ाना जींद रेलवे लाइन थी जो आगे पंजाब में जा, उसको विद्युतीकरण का काम था वो पूरा कराया। फिर जींद से सपिदो पानीपत रेलवे लाइन थी बहुत पुरानी, वो बिजली करवाई। अब रोहतक गोहाना जो पानीपत है वो बिजली करवाई, और जींद सपिदो पानीपत पर बिजली का काम चला हुआ है, वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा।
और इसके साथ साथ सोनीपत के रेलवे स्टेशन में मैंने ए क्लास करवाया, इसी तरह जींद के उनमें भी बहुत भारी काम हमने किया है। फिर इसके साथ जितनी रेलवे जमीनें थी उन पर लोग कब्जे करते थे या गंदगी डालते थे, आज उनमें सोनीपत में पार्क का निर्माण करा, गन्नौर में पार्क का निर्माण और जींद में हमने 5 पार्कों का इस तरह निर्माण का जो रेलवे जमीन में, जुलाना में 1 पार्क का निर्माण का काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से हमने एक विकास का नया रास्ता दिया है। मेरा दूसरे क्षेत्र थे जींद को हमने मेडिकल कॉलेज है वो दिया, बस अड्डा नया बन गया, स्टेडियम सब कुछ हुआ, यूनिवर्सिटी नाम मात्र की थी उसमें लगभग 150-200 करोड़ हमने खर्च करके जींद यूनिवर्सिटी देखने लायक है। आपसे जो आपने क्योंकि रेलवे की बात की है, ये रेलवे का जो प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस के टाइम में, वो आप भी थे? नो, कोई कांग्रेस टाइम में नहीं। मैं राजनीतिक दावा करता हूँ पार्लियामेंट में कहीं कुछ मिल जाए या रेलवे की, रेल मंत्री पवन बंसल के टाइम में, पवन बंसल बयान दे जाओ, इसी से बयान पता नहीं कितने दे रखे थे जी। रेल कोच फैक्ट्री, रेल प्रोजेक्ट जब बनता है वो पार्लियामेंट में आके पास हो, वो बजट में पैसा रखा जाए और उसकी जमीन हो, इन में से कोई काम हो, इम्प्लीमेंटेशन। ये तो झूठ बोलते थे, कोई कहता है बनारस गई, कोई कहीं, मतलब झूठ बोलने का काम था और कुछ। जब हम लोग बताओ, हम मैं 5 साल में बनवा सकता हूँ, इन्हें 10 साल में क्यों ना बनाया, इन बातों में कुछ रखे है कि? ये तो नुबिका देंगे, नेशनल हाईवे भी हम सोच रहे थे, बनाया क्यों नहीं कोई कुछ ही? काम करना वो है जो जमीन पर हो जाएगा, सुख की बात तो नाम चलेगा। अगर काम कर रखे होता तो जो रिजल्ट हैं पार्लियामेंट में या दूसरे आ रहे हैं वो इसलिए ही आ रहे हैं, लोगों का प्यार, पार्टी का हमारे भरपूर नेतृत्व होना और प्रदेश की सरकार भी काम। तो विपक्ष का ये आरोप गलत है कि जो फैक्ट्री थी उसका कुछ हिस्सा ना कुछ हिस्सा रह गया यहाँ, जो बड़ी बड़ा फैक्ट्री का बताओ कोच आप मुझे वो बनारस ले गए, ये सिवाय झूठ बोलने का कोई इन लाइसेंस। विपक्ष का आरोप, विपक्ष को मैं कह रहा हूँ झूठ बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है जी जी, उसने बोलते रहो जी। और एक बताइए, आपने रेलवे नाम ही न कोई जमीन करी हो, कोई जमीन एक्वायर करके रेलवे को सौंपी हो या कोई उसके लिए फंड कॉल आउट होया हो, को पार्लियामेंट में होया प्रपोजल दी होगी बस, ये प्रपोजल वो भी दी थे 10 साल में के करने थे, चलो मैं मानता हूँ यार, जब हम 4-5 साल में असल जी हम आगे, कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, बिल्कुल ये बातें ना, मतलब मैं ये कहता हूँ कम से कम आदमी भगवान से डर कर झूठ साठ ना बोलना, झूठ का कोई अच्छा रिजल्ट किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, अगर हम बोल लेंगे झूठ हमें भी नहीं फाबेगा, दूसरा बोल लेगा उसको भी नहीं फाबेगा। अच्छा रमेश जी, आपने अभी जैसे रेलवे की भी बात है, आपने इतनी सड़कों का जाल बिछा, आपने अपने पार्लियामेंट्री जो फंड होता है उस कोटे से भी आपने काम किए होंगे, लेकिन एक सोनीपत कह लो, राई कह लो या कुंडली जो भी है, एक सिंह द्वार है देश की राजधानी का, और NCR के एरिया में भी आ गया है, NCR में गुड़गांव भी है, फरीदाबाद भी है, इवन रोहतक तक चला गया। तो एक NCR के नाते जो मेट्रो की सेवा है या और दूसरी बड़ी सुविधाएं हैं, जैसे गुड़गांव है एक तरह का उसको फॉरेन सिटी कहने लग गए हैं लोग, इसी तरह फरीदाबाद में भी उद्योग भी आ जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, हम अपने इलाके को गुड़गांव से भी अच्छा इलाका बनाने जा रहे हैं जी। और लगातार बन भी रहा है, और रैपिड ट्रेन कराई है मेट्रो ही बजाय जी, जो जो दिल्ली से सीधी पानीपत के लिए हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरा हमने KMPA साथवे में एक ट्रेन पलवल से लेकर कुंडली ला रहे हैं, वो भी बहुत होगा। इसके साथ साथ मेट्रो जो है दिल्ली इसमें अड़चन है, लेकिन हम उसको भी यहाँ मिलवा देंगे कुंडली में। ओके, अतः हम सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से इसमें कोई बात नहीं। ओके अच्छा, इसके साथ साथ जी जैसे हमारे यहाँ लाख के करीब इम्प्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनके लिए इलाज की सुविधा नहीं थी, किसी ने क्यों नहीं कराई इतने दिन में, आज CGS डिस्पेंसरी, दूसरा सारा पैनल हॉस्पिटल वो हमने सारा करवा दिया, पासपोर्ट ऑफिस तक नहीं था, पासपोर्ट ऑफिस भी सोनीपत में। मैं ये कहता हूँ, आप भी हो, मैं अपनी प्रेस में वहाँ भी चैनल से कहता हूँ, भाई MPR कोई काम बचाओ, उसके लिए मैं जिम्मेवार, मुझे बताओ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हमारे साथ हैं जी। आपने जैसे कहा कि कर्मचारियों की बात की, अपने लाखों कर्मचारी, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो दिल्ली जाते हैं काम करते हैं वापस आते हैं, वही तो उनके लिए वो डेली कम्यूटर जो है
उनकी ही मैं वो रिटायरमेंट होगी मान लो, जो दिल्ली में एम्प्लॉई थे कुछ जा रहे हैं, उन्हें दवाई लेने लिए दिल्ली जाना पड़ता था, अब उनको सोनीपत ही है, उन्होंने बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारे बहुत एम्प्लॉई हैं जो दिल्ली में जाते हैं। मेरा सवाल एक कोरोना से जुड़ा है। चौथे दिन यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री कह देता है कि जी दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया है, अब सोनीपत में नहीं एंट्री होगी, हरियाणा में नहीं एंट्री होगी। तो ऐसे हालात में जो डेली कम्यूटर हैं, जो डेली वेजर हैं, जो मजदूर तबका है, सोनीपत भी लोग आते होंगे, सोनीपत से जाते भी हैं, तो ऐसा कोई फुल प्रूफ काम होना चाहिए कि उनका रोजी रोटी चलते रहे। ऐसा है जी, अब इसी तरह कोई दिक्कत नहीं है जी। और जब हमें लॉकडाउन भी हुआ, मैं एक बात कहता हूँ, हमने जितने हमारे वहाँ मजदूर भाई थे, हमारे साथी थे जी, उन सब की हर तरह से मदद करके, और उसमें सबसे पहले मैं खुद भी आके आया, अपना कॉलेज और स्कूल था उसको पहले उनका सेंटर बनाया। ओके। उसके साथ साथ हमारे सोनीपत में सूखे राशन पर, खाने पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ओके। जो सारा खर्चा हमारी सामाजिक संस्थाओं ने उठाया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो सरकार देती है, सरकार जो अनाज वगैरह बांटने के लिए, जो सरकार ने दिया उसका हिसाब किताब भी है जी? जो सरकार ने दिया वो अलग से है, जो संस्थाओं ने किया मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ। हमने किसी तरह की कोई दिक्कत अपने उसमें नहीं आने दी। और इसके साथ साथ अगर हम दिल्ली का फायदा उठाएंगे तो थोड़ा बहुत वो भी होता है, ये किसी बस की नहीं महामारी है, पूरी दुनिया में है ये, ना हम किसी को दोष दे सकते ना कुछ कर सकते। और हम ये कह उन्हें दे दिया, इन्हें दे दिया, इस तरह की बातें नहीं है। और सोनीपत में आज कोरोना भी, क्योंकि मैं वहाँ का इंचार्ज भी हूँ, पूरी तरह से कंट्रोल में है जी। मेरे ख्याल में 600 का आदमी ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, बाकी सब ठीक ठाक हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज लोग ठीक ठाक हैं। एक रमेश जी, मेरा सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है। आप भी देखिए कांग्रेस में रहे हैं, हुड्डा साहब के आप भी एक तरह से राइट हैंड किसी जमाने में माने जाते रहे हैं, अब भी आप बड़े भाई की तरह मानते हो। जो वहाँ पे राजीव गांधी के नाम से एजुकेशन सिटी बना, और जब वो एजुकेशन सिटी बना तो अशोका यूनिवर्सिटी आ रही है, ओपी जिंदल की या फला फला आकर्षित, लेकिन अब ऐसा कुछ इम्प्रेशन बनता जा रहा है कि कुछ वो डिस्करेज हो रही हैं या क्या? नहीं नहीं, या ज़्यादा नहीं आ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब भी हमने गवर्नमेंट पे अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई है। अच्छा। और राजीव एजुकेशन सिटी में काफ़ी कुछ काम हुआ है, क्योंकि उस समय ये बनाई गई थी जब मैं राय से जी MLA भी था और सरकार में शामिल था, और आज सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी मेरी पार्लियामेंट में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मैं कहता हूँ जो भी सरकार आए उसने काम लोगों के लिए करना ही चाहिए। आपने राय की बात करी, मेरे बाय चांस राय का भी क्वेश्चन याद आ गया, कि जो स्पोर्ट्स स्कूल राय का है उसका विश्वविद्यालय बनाने की बात है, बनाने की बात है। हाँ। चलती आ रही है, चलती आ रही है, आफ्टरऑल ये धरातल पे कब आएगी? ये वहाँ तो और ही घपले आ रहे हैं, वो जो IPS ऑफिसर वहाँ लगा रखी है उसके ऊपर ऑडिट के आरोप हैं, बीच में कोई जो मंत्री थे किसी ने, फाइनेंस मिनिस्टर था उसने कोई आरोप के पता कराया कि वहाँ पे घपला है। अब इस तरह की बात तो ये बातें चल रही हैं, तो यूनिवर्सिटी कैसे ग्रो अप होगी? यूनिवर्सिटी आएगी, उसका VC भी हमें कपिल देव को बनाया है। अच्छा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जी, जी। और उसके लिए विधानसभा में भी उसका बिल, कितना टाइम लग जाएगा कि इसको साकार रूप दिया जाए? इस प्लान में हम इसको करते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आपका ये संदेश दर्शकों को बताना चाहेंगे। हम जल्दी से जल्दी इसको करने जा रहे हैं, और आप एक पीरियड फिक्स कर दें 6 महीने साल, ऐसा है, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने सारा काम करना है, इसलिए दबाव डाल सकते हैं। आप दबाव सुनो, आपका जोर है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया, हम यूनिवर्सिटी उसको बना रहे हैं और वो कर भी दिया है, मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर हम उसको कर लेंगे जी। जी, बड़ौदा की हम बात कर रहे हैं थोड़ा, इलेक्शन उपचुनाव अभी तो चलो स्थगित हुआ है, लेकिन अभी पता लग रहा है दोबारा से डेट, हाँ पहले उन्होंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, अब पता लग रहा है कि पूरे देश में जो होना है उपचुनाव कई जगह होने हैं, राज्यसभा किसी संसदीय भी होना है, तो उसमें बड़ौदा जैसे आपका भी जाटलैंड है, आपके एरिया में बड़ौदा आता है, बिल्कुल, तो क्या आपने जाट लैंड के अंदर कमल खिला दिया तो बड़ौदा में भी खिलाएंगे कमल? खिलाएंगे, पहले भी जींद का बाई इलेक्शन हुआ था जी, और मेरी पार्लियामेंट में था जी, पहली बार हमने जींद की वो सीट जीत के दी है, पर पहली बार ही BJP ने गन्नौर की हमने जीती, इसके साथ जींद की जीती, राय की जीती, अब ये सीटें हमने जीती हैं, और बड़ौदा भी इस बार हम जीतने जा रहे हैं। ओके,
ठीक है, तो मैं अब अपनी बात को यहाँ पे समापन की ओर ले चलते हैं, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि घर में अगर लक्ष्मी हो ना तो सारी पौबारा होती हैं। तो संयोग की बात है कि माननीय आपकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती वो लक्ष्मी शायद उनका नाम भी है, और सुनने में ये आता है कि ये राजनीति में आपका जो भी सर्वस्व जो है उसके पीछे जो समर्पण है, जो उनका पूजा पाठ उनकी ज्यादा है, लोग तो के प्रेरणा होती है, जैसे घर में महिला को बोलते हैं या कोई भी महिला उनकी, तो आपका इसमें क्या? इसमें मानता हूँ उनकी, मेरी सफलता में बहुत बड़ा रोल उनका है जी। मेरे परिवार का, भाइयों का और लोगों का, मेरे क्षेत्रीय लोग बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं पूछा तुम कहाँ से कैसे लड़ना है, जहाँ भी चुनाव लड़ा है वहाँ भी 5-7 हज़ार वर्कर सारे अपने आप इकट्ठे, चाहे असेंबली हो पार्लियामेंट हो, वो कभी नहीं पूछते मुझसे। और एक और है, कभी ये दबाव नहीं होगा ये कर लो, उन्हें पता है जो काम होगा ये अपने आप कर देगा। तो हमारे लोग जो हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने भाइयों की बात की है, रविंदर है, रजिंदर है, देवेंद्र तीन ही है, और ज़्यादा एक्टिव तो रविंदर देवेंद्र कर रहते हैं एक्टिव जो आगे। कोई ऐसा लोगों में इंप्रेशन तो नहीं जाता कि परिवार ने कब्जा कर रखा है? ये परिवार ने कब्जा नहीं कर रखा है, पर हम काम करते हैं। अगर सारा परिवार मिलके काम ना करें, आप 9 हल्के हैं, उनके लोगों ने कौन संभालेगा? अब कोरोना टाइम में भी कोई दिन ऐसा खाली नहीं, 400-500 आदमी हमारे सुबह ना आते हों, उन सबके फोन भी करने, काम भी करने, आदमी 100-150 किलोमीटर से आए, उनको हम कहते हैं जाओ भाई अब ये नहीं हो सकता हमारे से। और अपन राजनीति में बताऊं, मैं तो भगवान का ध्यान रखकर भगवान के नाम पे राजनीति करता हूं, और सही बुझो तो उसी की सफलता है, और हमारे में कोई खास बात नहीं है। और आदमी का समय ठीक हो है, सब कुछ समय बलवान होता है, ये बात मान के चलना चाहिए, और जो भी है वो भगवान ही करता है किसी का जी। और सब है और आज है। मैं तो कई बार कहता हूँ तब से राज मिलता है, राज से फिर नरक मिलता है, लोग झूठ साच बोल लेंगे और होंगे, हम सोचते हैं हमारे बारे में कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो देख रहा है। बिल्कुल, वही बात ओपनली आ जाती है जी। नहीं तो सोनीपत में जिस भी हल्के से लड़ना हो, जिससे हो, लोगों को इतना प्यार मिलता है जी। कहाँ से लड़े, किसी पार्टी लड़े, कभी पीछे हटके नहीं देखा, अरे ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ, और अपने नेतृत्व का भी, मोदी जी का भी, और मुख्यमंत्री जी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आर्त प्रकाश समूह के जो दर्शक हैं उनको आपने जो ज्ञान दिया, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जींद तक आपने जो सड़कों के जाल की बात की है, तो आपका बहुत बहुत आभारी हैं। तो ये थे रमेश कौशिक, भारतीय जनता पार्टी से सांसद, और जिनका बैकग्राउंड पीछे भी पॉलिटिकल बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने सफलता से काम किए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि सड़कों के जाल बिछाए हैं, और आने वाले समय में रैपिड ट्रेन लाने की या मेट्रो को भी आगे तक बढ़ाने की बात इन्होंने की है। इसी के साथ हम आपके इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।